दोस्तों, आजकल आपने साइंस फिक्शन फिल्मों में ईएमपी जैसी चीजों को देखा और उसके बारे में सुना है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो विद्युतीय चुंबक से बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी, जिसे कभी कभी एक क्षणिक विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी भी कहा जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का एक छोटा विस्फोट है। इस तरह की पल्स की उत्पत्ति एक प्राकृतिक घटना या मानव निर्मित हो सकती है। विद्युत स्रोत के आधार पर ईएमपी रेडिएटेड इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के रूप में हो सकते हैं। ईएमपी ब्लास्ट आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए हानिकारक है। मानव निर्मित ईएमपी क्षमताओं की खोज सबसे पहले परमाणु परीक्षणों द्वारा की गई थी, विशेष रूप से 1962 में स्टारफिश प्राइम परीक्षण, जहां प्रशांत महासागर के ऊपर 1.4 मेगाटन बम विस्फोट किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1400 किलोमीटर से अधिक दूर बिजली के उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए थे, और उच्च विद्युत स्थिति में एक शक्तिशाली ईएमपी विस्फोट जैसे कि बिजली, इमारतों और विमान संरचनाओं जैसे भौतिक वस्तुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका फायदा उठाते हुए दुनिया के सभी आमिर देश बिना खून खराबे के दूसरों से बिना लड़े जीतने के लिए ईएमपी हथियार बना रहे हैं। इसमें एक बात यह है कि इससे कोई जनहानि नहीं होगी, यह किसी भी मानव या जानवर को नहीं मारेगा, लेकिन दुनिया भर में उस स्थिति में जैसे अस्पताल प्रणाली, कार्यालय, कंप्यूटर, कई एजेंसियों के इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो जाएंगी। तो अभी आप सोच कर देखिए कि आप एक ऐसा स्थिति में होंगे कि एक ईएमपी ब्लास्ट के बाद आपके न फोन काम कर रहा है, न आपके घड़ी, और इंटरनेट ध्वस्त हो गया है। आप उस समय में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं बचा है और दुश्मन आप पर आसानी से हमला कर देगा। होमलैंड सिक्योरिटी के शोध के अनुसार ईएमपी हथियारों में पूरी प्रणाली को ध्वस्त करने की क्षमता है और यह देश के बड़े हिस्सों पर लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस हमले से कितने लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इस पर कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं की गई है। चलिए अभी हम जानते हैं कि ईएमपी कितने प्रकार के ऊर्जा पर आधारित होते हैं। ईएमपी विस्फोट चार रूपों में से किसी में भी हो सकता है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नंबर 4 इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। एक ईएमपी तब उत्पन्न होता है जब ऊर्जा स्रोत की एक बड़ी मात्रा बहुत कम क्षणों में अपनी ऊर्जा छोड़ता है। विभिन्न प्रकार के ईएमपी प्राकृतिक, मानव निर्मित और हथियारों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। मीटियोरिक ईएमपी, जब कोई अंतरिक्ष यान या विशाल कई एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराता है तो ईएमपी रिलीज्ड होता है। आइए देखें कि मानव निर्मित ईएमपी कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर भी आर्मेचर घूमने की वजह से ईएमपी की उत्पन्न होता है, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में होता है। अपने कार या बाइक के इग्निशन सिस्टम में स्पार्किंग की वजह से भी ईएमपी रिलीज होता है। इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन कई किलोवाट तक होती है और इस लाइनों में बहने वाली उच्च वोल्टेज उसके आसपास ईएमपी रेडिएशन पैदा करता है। यह इतना शक्तिशाली है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है। सैन्य प्रणाली में प्रयुक्त ईएमपी के प्रकार में सबसे खतरनाक जो होता है वो है न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी एनईएमपी। परमाणु विस्फोट के परिणाम स्वरूप एक बहुत ही खतरनाक ईएमपी रिलीज होता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र के साथ टकराव के कारण एक दूसरा पल्स पैदा करता है और ज्यादातर नुकसान उसी की वजह से होता है। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम विस्फोट के बारे में आप तो सब सुनाई होंगे। इस बम ब्लास्ट के दौरान ईएमपी की वजह से इतना ज्यादा मात्रा में तबाही मची थी। उस वक्त जो ईएमपी पैदा हुआ था वो है एनईएमपी यानी न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। हिरोशिमा और नागासाकी विस्फोट उपयोग किया गया विस्फोट को इस तरह डिजाइन किया गया था जो पृथ्वी की सतह से थोड़ी ऊपर विस्फोट होता है और पैदा करता है एक खतरनाक गामा रेज, जो वायुमंडल को आयनीकृत करता है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने से और बहुत अधिक और खतरनाक ईएमपी रिलीज किया था और जिसके नतीजे हम सब तो जानते ही हैं। चलिए आप बातें करते हैं ईएमपी की प्रभाव के बारे में। मामूली ईएमपी की वजह से इलेक्ट्रिकल नॉइस पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए 20वीं सदी के मध्य में एक आम समस्या थी गैसोलीन इंजन की इग्निशन की वजह से एक ईएमपी पैदा होता था, जिसके लिए टीवी और रेडियो में एक इलेक्ट्रिकल नॉइस पैदा होता था। दोस्तों, आपने देखे ही होंगे कि जब पेट्रोल पंप में तेल भरवाने के लिए जाते हैं तो आपको यह कहता है कि इंजन ऑफ करें और मोबाइल का उपयोग ना करें। इसका कारण और कुछ नहीं बल्कि यह ईएमपी। नतीजे के तौर पर गैसोलीन और एयर की मिक्सर में स्पार्क होने के वजह से विस्फोट भी हो सकता है। एक शक्तिशाली ईएमपी सीधे चुंबकीय सामग्री को प्रभावित कर सकता है और मीडिया पर संग्रहित डेटा जैसे चुंबकीय टेप और कंप्यूटर हार्ड ड्राइव को पूरी तरह नष्ट कर सकता है।
लेकिन चिंता न करें, हार्ड ड्राइव पर भारी धातु के आवरणों द्वारा परिरक्षित होते हैं। बिजली के रूप में एक ईएमपी इमारतों और विमानों जैसे सीधे वस्तुओं को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। चलिए आप जानते हैं कि यही ईएमपी से खुद को और चीजों को सुरक्षित कैसे रखें। एक बड़ा ईएमपी ब्लास्ट इंसानों को हानि पहुंचा सकता है। ऐसे परिस्थितियों में आपको किसी इलेक्ट्रिकल सामान से दूर रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2019 की रिपोर्ट एट गेंट के शोध के अनुसार पाया गया कि इस तरह के हमले से शायद क्षेत्रीय ब्लैकआउट होंगे, लेकिन राष्ट्रव्यापी कोई नुकसान नहीं होगा। इन सभी कारणों के लिए कई विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम ऑनलाइन के साथ साथ भी उसके रिकॉर्ड कागज के दस्तावेजों में रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि कोई ईएमपी ब्लास्ट या मशीन की खराबी के बावजूद भी सुरक्षित रहे। तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट्स डालें और कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि हर महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित जानकारी आप तक तेजी से पहुंचे। धन्यवाद।